No! <laughs> आई एम ओ सर फ्रॉम डी एस एस डॉक्टर खरिया दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअली हम लोग अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं बट समस्या कहाँ जड़ में है वो हम सोच नहीं पाते खोज नहीं पाते तो मैंने क्या सोचा है कि आज आपको टोटल का टोटल जितने भी टर्म स्पीकिंग के होते हैं जितने भी टर्म राइटिंग के होते हैं और एग्ज़ाम में तो अगर पूछो कितना पूछता है तो हर एंगल से मैं आपको वो सिखाने का प्रयास करूं जैसे इज एम आर के साथ टू कब लगता है वाज वर के साथ टू कब लगता है हैज टू 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 हैव कब कब होता होता है had to होता है हैड इज एम आर प्लस अबाउट टू कब होता है वाज वर प्लस अबाउट टू कब करेंगे वील सेल करेंगे तो ये बहुत ही मजेदार आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं बस कुछ नहीं किया चार क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी करा दिया आता जाता कुछ नहीं बस यहीं पर काम शुरू कर दिया इससे अंग्रेजी नहीं होगा अंग्रेजी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में रूल नहीं होता कि ये पहला का बी दूसरा का सी ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा अंग्रेजी के लिए जड़ से समझना पड़ेगा इसका यूज कहाँ है कहाँ पे क्या काम है आगे देखो विग टू का काम कहाँ होता है स्टार्ट का यूज कहाँ करेंगे यूज टू का काम कहाँ करेंगे हाउ टू यूज कैसे करेंगे इसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ हमने आपके लिए करने का प्रयास किया है स्पोकन डी एस एल स्पोकन चैनल आज कल में स्टार्ट हो जाएगा या हो सकता है कल से ही आप आप वीडियो देखना शुरू कर देना यहाँ पे मैं आपके के लिए बात करूं तो कहने का सेंस कैसे इसको मैं स्टार्ट करें इसको आप देखने के लिए सबसे पहला देखने प्रयास करें पहला कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जैसे में से उठाया बोर्ड पे ध्यान दीजिए हमने यहां से आपको कहीं दिक्कत ना आए तो पहला मैं ले रहा हूं आर टू को ले रहा हूं आप इसको स्क्रीन ले लो आराम से इस पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला है हम लोगों का वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड यह करता क्या है वो ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू करता क्या है ये वाला वाली को क्लियर करता है वाला या वाली को क्लियर करता है ये वाला वाली बताता है जैसे आप बोलते हो मैं आने वाला हूं ट्रेन आने वाली है मैं जाने वाला हूं इस तरह से इसी को ये सेंस कर वाला वाली इसी को आप कर दो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू अगर डाल दिया जाए अबाउट टू वी वन प्लस दरबड, तो यह इमीडिएट एक्शन है ही वाला को शो करता है ही वाला हूं जैसा बोलना है कि ट्रेन आने वाली है तो हमने बोल दिया द ट्रेन इज टू कम द ट्रेन इज टू कम और यह भी बोल दिया हमने कि द ट्रेन इज अबाउट टू कम मतलब हो गया कि ट्रेन आने ही वाली है मैं तुमसे मिलने वाला हूँ आई एम टू मीट यू मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ आई एम अबाउट टू मीट यू क्या अगर ऐसे आप पढ़ लोगे तो अंग्रेजी ऐसा नहीं हो जाएगा वह जाने वाला है ही इज़ टू गो वह जाने ही वाला है ही इज़ अबाउट टू गो आप लिख पा रहे हो ना कॉपी कलम निकालो और साथ साथ लिखने का प्रयास करो हमने कहा प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है हमने बोला द कम्पिटिशन इज टू स्टार्ट द competition इज अबाउट टू स्टार्ट तो जहाँ पे टू और अबाउट टू कैसे लगाते हैं ये समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा हमने बोला वह वा पढ़ने वाला है ही इज टू रीड वह पढ़ने ही वाला है ही इज अबाउट टू रीड वह जाने वाला है ही इज टू गो वह जाने ही वाला है ही इज अबाउट टू गो बात समझ पा रहे हो तो वह वा जाने वाला है वह वा जाने ही वाला है वह वा मरने वाला है ही इज टू डाई वह मरने ही वाला है ही इज अबाउट टू डाई तो आपको समझ में आ रहा है फिर से सुन लो हमने कहा तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो यू आर टू स्पीक इंग्लिश यू आर टू स्पीक इंग्लिश तुम अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने ही वाले हो यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश बोलो मेरे साथ चलो मैंने कहा वह वा रोने वाला है बोलो वह वा रोने वाला है ही इज टू क्राई वह रोने ही वाला है he is about to cry, वा ही इज अबाउट टू क्राई फिर से एक बार वह वा हंसने वाला है he is to laugh, वा ही इज टू लाफ वह हंसने ही वाला है ही इज अबाउट टू लाफ क्लियर हो कॉन्सेप्ट अब देखते हैं अगला अब हमने कवर क्या किया कवर किया इज एम आर टू अब 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 क्या करेंगे वाज वर टू अब वाज वर टू को स्टार। हमने समाप्त किया इज एम आर टू इज एम आर अबाउट टू तो दो काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया अब तीसरा देखेंगे वाज वेयर टू और वाज वेर अबाउट टू फटाफट चेक करते हैं इसको अगला कॉन्सेप्ट चलते हम लोग फटाफट यहां पर हमने बात करा कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर टू वी वन वर्ड इसका हिंदी हुआ बिल्कुल सेम बिल्कुल सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो वाला था वाली थी यहीं पे कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस अबाउट टू वी वन प्लस वर्ड इसका सेंस बिल्कुल सही कहा आपने ही वाला था बिल्कुल पता क्या है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं अल्टीमेट जो भी यूट्यूब पढ़ रहे हैं बच्चे अल्टीमेट हो आप सब और आप सब मेहनत कर रहे हो मुझे भरोसा है और दूसरे को पढ़ा रहे हो ना बहुत बढ़िया तो प्लस वाज टू वाला था वाज अबाउट ही वाला था जैसे ट्रेन आने वाला था या ट्रेन आने वाली थी तो हमने बोला दा, ट्रेन, दा, ट्रेन, वाज टू कम द ट्रेन वू अराइव है ना कुछ भी कह सकते हो द ट्रेन वॉज टू तो कर लिया हमने द ट्रेन वॉज टू अराइव ठीक है बच्चे ट्रेन आने वाली थी दूसरा कहा द ट्रेन वाज अबाउट टू कम वह हंसने वाला था वह वा हंसने हिंदी लिख लो आप मैं राम से बोल रहा हूँ वह वा हंसने वाला था हमने क्या बोला He was to laugh, है ना वह वा वह हंसने वाला वाला था था मेरे साथ बोलो ना प्रैक्टिस कर लो वह वा हंसने वाला था जल्दी बोलोगे जी वह वा हंसने वाला था वाज टू लाफ वह रोने वाला था वाज टू क्राई वह खेलने वाला था वाज टू प्ले वह दौड़ने वाला था वाज टू रन राइट फिर से बोलो वह मरने ही वाला था बोलो वो मर नहीं लाइव देख रहे हो ना आप लोग वह रोने ही वाला था वॉज अबाउट टू क्राई क्या कहा ही वॉज अबाउट टू लाफ वह रोने वाली थी वो वा रोने ही वाली थी अबाउट टू क्राई वह दौड़ने वाला था वॉज टू रन दौड़ने ही वाला था ही वॉज अबाउट टू रन क्लियर हो रहा है मैं अंग्रेजी बोलने वाला था आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश तुम अंग्रेजी बोलने वाले थे यू वाज टू यू वर टू स्पीक इंग्लिश वह दौड़ने ही वाला था ही वॉज अबाउट टू रन तुम अंग्रेजी बोलने ही वाले देखो बोलो सर तुम अंग्रेजी बोलने ही जहाँ पे आ जा ही तुम अंग्रेजी बोलने ही वाले थे यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश वह अंग्रेजी बोलने वाला था ही वॉज टू स्पीक इंग्लिश तो आपको वर्ब क्या होना चाहिए क्या स्पीक है लाफ है गो है क्या है इसको सर बोलना आपके क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा कर लोगे ना हजार बोलो मेरे साथ बोलो हजार बार बोलो अंग्रेजी आपका आसान करवा दूंगा और बिना बुलवाए छोड़ने वाला मैं नहीं हूं मैं आगे देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इस ग्रुप में आपने क्या देखा इज एम आर टू डन वॉज वेयर टू डन ज एमर अबाउट टू डन ए हो गया ए भी हो गया अब बच क्या रहा है has to, have to, had to. तो ये सबको मैं इकट्ठे समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे और बेहतर एग्जाम्पल कर सके मिलकर के हम लोग अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट ठीक है बच्चे अब देखो बोर्ड पे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैव हैड और विल हैवील है वन प्लस अदरबर्ड इसका सेंस पता है क्या होता है इसका सेंस होता है पढ़ता है ये दिखाता है कंपल्सन को कंपल्सन कहते हैं बच्चे मजबूरी को जैसे टू हैव टू ये प्रेजेंट को शो करता है, है मतलब पास्ट और विल हैव टू मतलब फ्यूचर समझना एक सेंटेंस बोल रहा हूं तीन तरह से हमने बोला मुझे पढ़ना पड़ता है तो मुझे पढ़ना पड़ता है बोलो मजबूरी है कि नहीं है मजबूरी और देखो साहब लिखता हूं मजबूरी बताइए मजबूरी है कि नहीं है मुझे पढ़ना पड़ता है बोलो मजबूरी है मुझे पढ़ना पड़ता था मजबूरी है, तो है कि नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मजबूरी है कि नहीं तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है तुम्हें पढ़ना पड़ता था तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मजबूरी हुआ ना एक सेंटेंस को तीन तरह से जैसे हमने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है अब पड़ता है को कर दिया था और एक बोल दिया पड़ेगा अब बताइए मुझे अंग्रेजी बोलना था मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा मुझे अंग्रेजी बोलना है तो तीन अंग्रेजी बना सकते हो एक संदेश मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाऊ आपको किसी के पीछे नहीं चलना है आपको आगे चलना है आपको पीछे लघु नहीं बनना आपको आगे बढ़ना है तो एक संडी देखो हमने क्या बोला आई हैव टू स्पीक इंग्लिश आई हैव टू स्पीक इंग्लिश यहीं पे हमने कह दिया आई हैड टू स्पीक इंग्लिश हैव टू बोला बोलना पड़ता हैव टू बोला बोलना पड़ता था और एक बोला हमने आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा तो ये पकड़ पा रहे हो सब लोग मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश और देखिए बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट और देखिए मेरे से बोलिए फटाफट मेरे से बोलिए फटाफट मुझे खाना बनाना पड़ता है मुझे खाना बनाना पड़ता है जल्दी से मुझे खाना बनाना पड़ता है जल्दी से बोलिए फटाफट मुझे खाना बनाना पड़ता है आई हैव टू आई हैव टू कुक आई हैव टू prepare फूड मुझे खाना बनाना पड़ता था आई हैड टू प्रिपेयर फूड मुझे खाना बनाना पड़ेगा आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड राइट right? आ और बोलो और बोलो और बोलो अभी छोड़ूंगा नहीं और बोलो कॉपी कर्म निकाल के फिर और बोलो मौत खोलो तब बोलना आएगा लिखना आएगा बोलो मेरे साथ और लिखो भी इसको एग्जाम भी आता है कभी बोलो मुझे वहां जाना पड़ता है जल्दी से मुझे वहां जाना पड़ता है क्या कहा मुझे वहां जाना पड़ता है आई हैव टू गो देर मुझे वहां जाना पड़ता था आई हैव टू गो देर मुझे वहां जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो देर आई विल हैव टू गो देर रियड तुम्हें फाइन भरना पड़ता है यू विल हैव टू फाइन यू हैड टू फाइन यू हैव टू फाइन समझ पा रहे हो मुझे तुझे फाइन देना होगा यू विल हैव टू फाइन मुझे उसे उसे फाइन देना पड़ता था ही हैड टू फाइन मुझे फाइन देना पड़ता है आई हैव टू फाइन मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं यार मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स आई हैव टू वॉश माई क्लोथ मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ते थे यू हैड टू वॉश योर क्लोथ्स तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे यू विल हैव टू वॉश योर क्लोथ पड़ेंगे फ्यूचर तुम्हें अपने धोने पड़ेंगे। पढ़ते 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 थे, हैं, हैं, हैं है। है, तो have to, has to. Past है, पढ़ता था। future, will have to. कोई बच्चा ना सीख पाए तो कमेंट करो ना मुझे बताओ ना हिंदी भी लिखूं कर लोगे ना अंग्रेजी सीखना है ना यार तो अंग्रेजी बोलो ना मेरे साथ फिर से एक बार मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं पड़ते हैं बोलो प्रेजेंट है कि नहीं तो मैंने कपड़े धोने पड़ते हैं आई हैव टू वॉश मई क्लोथ मुझे कपड़े धोने पड़ते थे आई हैव टू वॉश मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे विल हैव टू वाश याद हुआ अगला देखो फटाफट यहाँ तक काम चल गया इसको मिटा रहा हूं अगला कॉन्सेप्ट क्या बच गया चेक करते हैं अब देखो हमने यह yeah, कंप्लीट कर दिया ये yeah, हो गया ए कंप्लीट ए कंप्लीट अब बचा कौन बिगिन टू स्टार्ट यूज टू अब इसको चेक करिए फटाफट इसके काम शुरू करते हैं चलिए अब हमने बिगिन टू स्टार्ट इसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं तो देखिए यहां पे गौर फटाफट सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या फिर टू या फिर बिगिन टू वी वन प्लस अदरवर्ड इसी के समकक्ष होता है एक ये पहला स्ट्रक्चर दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्टेड या फिर कह सकते हो starts, starts, इसके या फिर इसको ऐसे कर दो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट स्टार्ट्स स्टार्टेड प्लस वी फोर प्लस वर्ड अब दो स्ट्रक्चर है इन दोनों का हिंदी होता है ने लगता है ने लगता है जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा इसको आपने लिख लिया बराबर स्ट्रक्चर से अंग्रेजी होता है बिना अस्टुर... स्ट्रक्चर का अंग्रेजी ना बोलने आएगा ना निकला आएगा ना एग्जाम पास करोगे स्ट्रक्चर पे काम होता है सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू बी वन हमने कहा कि वह पढ़ने लगता है ही बिगे टू रीड वह पढ़ने लगता था ही बिगेन टू रीड वह पढ़ने लगता था ही स्टार्टेड रीडिंग अब ध्यान देना वर्ड यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा ये उतार लिया आपने अब देखो यहाँ पे गौर से बच्चे यहाँ पे सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ गौर से यहाँ पे सेंटेंस आपने दिया कि सी बिगिनस टू रीड या फिर बोला, आपने बोला सी आपने बोला सी अस्टार्स रीडिंग ये दोनों का हिंदी हुआ वह पढ़ने लगती है वह पढ़ने लगती है सी बिगिन टू रीड सी ए स्टार्स रीडिंग इन दोनों का हिंदी हुआ वह पढ़ने लगती है अब इसी पर तुम हजार बोल सकते हो वह रोने लगती है वह जाने लगती है तो जहाँ भी आप बोलोगे बच्चे इस तरह से हजारों सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हो तो बोलो ना मेरे साथ फटाफट बोलो ना यहाँ पे सेंटेंस बोल सकते हो आप इसी बोल सकते हो कि वह रोने लगा तो ही बिगेन रोने लगा मतलब क्या हुआ पास्ट लगा मतलब पास्ट स्टार्टेड मतलब ये पास्ट हो गया ये क्या हो गया बच्चे पास्ट हो गया तो पास्ट में बिगेन टू भी टू है ये भर्म का सेकेंड फॉर्म है ये भर्म का फर्स्ट फॉर्म है ये भर्म का फिफ्थ फॉर्म है ही सी के साथ बिगिन सा लगाना जैसे मैं पढ़ने लगता हूँ आई बिगिन टू रीड मैं पढ़ने लगा आई बिगेन टू रीड वह

अगला देते हैं फटाफट फड़। अब अगला देते हैं फटाफट फड़। एक यूज टू बचा और एक हाउ टू बचा इन दोनों को करने का प्रयास करें आपकी अंग्रेजी और आसान हो जाएगा एक यूज टू और एक हाउ टू फटाफट चेक करते हैं यूज टू और हाउ टू क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है यहां कि प्लस अदर वर्ड दूसरा देखिए हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस हाउ टू सब्जेक्ट प्लस एक वर्ड आएगा सब्जेक्ट प्लस नो या फिर आप कहो नोस या फिर कहिए सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड यहां अंग्रेजी बोलना कितना आसान हो जाएगा यूज टू का प्रयोग हमने किया हमने कहा यूज टू यूज्ड टू का मतलब वह किया करता था जैसा बोलना मैं वहां जाया करता था आई यूज टू गो देयर वह यहां आया करता था हमने बोला ही यूज टू कम हेयर He used to come here. मैं वहां जाया करता था तो इसका सेंस क्या निकलेगा जाया करता था और इसका हिंदी होगा जानना जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश तू नहीं होगा ना तो बोलना भी गलत और लिखना भी गलत आई नो हाउ टू स्पीक आई नो हाउ टू राइट मुझे अंग्रेजी बोलना आता है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी लिखना आता है आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश आप लिख लो वीडियो को पॉज करके लिख लो हर चीज लिख लो काम आ जाएगा मैं बार बार लिख नहीं रहा समय आपका बचा रहा हूं जैसे हमने कहा आई नो हाउ टू रीड मुझे लिखना आता है आई नो हाउ टू रीड मुझे पढ़ना आता है आई आई नो हाउ टू रीड मुझे लिखना आता है आई नो हाउ टू राइट मुझे खेलना आता है आई नो हाउ टू प्ले मुझे दौड़ना आता है आई नो हाउ टू रन मुझे दौड़ना खेलना पढ़ना कुछ भी बोलो मुझे तैरना आता है आई नो हाउ टू स्विम मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है माई वाइफ नोस हाउ टू प्रिपेयर टी समझ पा रहे हो तो इससे अंग्रेजी बोलना आपके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा अब तुम पूछ पूछाओ तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है बनाओ अंग्रेजी तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है देखो तुम्हें यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश स्पीक हो गया भर तुम्हें दौड़ना आता है यू नो हाउ टू रन उसे खेलना आता है ही नोज हाउ टू प्ले है ना मुझे मुझे हंसना आता है आई नो हाउ टू लाफ मुझे खाना बनाना आता है आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड वह जाया करता था गो वो दौड़ा करता था प्ले तो इस तरह से दौड़ना खेलना वर्क छोड़ो अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा बस तेजी के साथ बोलोगे जल्दी बोलोगे मेरे साथ बोलोगे ना तो आसान हो जाएगा इसी के साथ करो और कर करके सारे बच्चों को शेयर कर दो और दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आ सकते हो अब राइट थैंक यू